नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। बिहार बोर्ड के द्वारा जो OFSS के माध्यम से जो एडमिशन होता है इंटरमीडिएट में, तो 11th में एडमिशन का डेट जो है लास्ट चल रहा है। रीओपन फिर से जो आपका लिंक है एक्टिवेट कर दिया गया है स्पोर्ट एडमिशन के लिए। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है, अगर आपका एडमिशन इस बार नहीं हुआ है, तो आप अपने स्पोर्ट्स कोटा के लिए एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। 4 दिसंबर से 5 दिसंबर, 2 दिन के लिए ये अपडेट दिया गया है और 2 ही दिन के लिए मौका फिर से मिला है स्पोर्ट एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपका एडमिशन इस बार नहीं हुआ है, OFS बिहार इंटर 11th स्पोर्ट्स एडमिशन 2020 का अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है, तो फिर से लिंक एक्टिवेट हो चुका है, लिंक जो है फिर से रीओपन हो चुका है। तो किस प्रकार से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट के अनुसार चेक करना है कि किस कॉलेज में कितने सीट खाली है, तो चलिए आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको चेक करना है कि कितनी सीटें खाली हैं स्ट्रीम वाइज, यानी कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी आपका स्ट्रीम है उसके अनुसार देखना होगा किस स्ट्रीम में कितनी सीटें खाली हैं किस कॉलेज में। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ओपन करना होगा OFSSBihar.in, ठीक है, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आपने फॉर्म भरा होगा या फिर जहाँ से आप बिलोंग करते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से, बिहार में सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ये फॉर्म। तो चलिए यहाँ पे मैं बक्सर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो बक्सर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पे कॉलेज नेम, स्ट्रीम मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे कॉलेज नेम दे दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीम दे दिया गया है, उसके बाद सीट वैकेंट जो भी खाली सीटें हैं उनका नाम दे दिया गया है। तो आप अपना कॉलेज चेक कर लें जहाँ पे भी आपने एडमिशन लेने के लिए सोचा है, जहाँ पे भी आपने एडमिशन लेने के फॉर्म अप्लाई किया था इसके पहले। तो चलिए दिखा दे रहे हैं, इस पर हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कॉलेज का नाम दे दिया गया है, प्लस टू आदर्श हाई स्कूल बरका राजपुर बक्सर, आर्ट्स के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सीट की जगह पे स्टार स्टार यानी खाली सा, यहाँ पे एक भी सीट खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं प्लस टू आदर्श हाई स्कूल बड़का राजपुर बक्सर, इसके लिए साइंस में, आर्ट्स में एक भी सीट नहीं है, साइंस के लिए स्पोर्ट्स एडमिशन के लिए 46 सीटें खाली हैं, आर्ट्स में एक भी नहीं है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे स्कूल वाइज चेक कर सकते हैं, अगर आप बक्सर डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, डुमराव में लेना चाहते हैं, जो भी जहाँ भी आपका स्कूल है सभी स्कूल का यहाँ पे नाम दे दिया गया है और उसके सामने साइंस आर्ट्स कॉमर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सभी स्ट्रीम का नाम दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी कॉलेज का, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का दे दिया गया है कि किसमें सीट खाली है किसमें सीट नहीं खाली है। यहाँ पे जिसमें सीट खाली है कितने सीट ही खाली हैं यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया है, आप देख पा रहे हैं, और जिसमें नहीं है इसमें स्टार बना दिया गया है। तो ये 2 दिन के लिए साइट ओपन किया गया है और आपको मौका दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे उनका एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि महामारी के कारण लॉकडाउन चल रहा था। तो अगर आपने एडमिशन नहीं ले पाया 2020 में बिहार OFSS बिहार इंटर 11th स्पोर्ट्स एडमिशन 2020 के द्वारा फिर से एक नई अपडेट गाइडलाइंस जारी की गई है कि आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। 2 दिन का मौका दिया गया है, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर, जो कि आज 4 दिसंबर, आज तो दिन ही निकल ही गया है, डेट निकल गया, कल का आपका टाइम बचा हुआ है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन के लिए स्पोर्ट्स के जरिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे कॉलेज का नाम चूज कर लेंगे, देख लेंगे यहाँ पे, सॉरी डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करके चेक कर लें कि आपके कॉलेज में, आपके स्ट्रीम में सीट खाली है या नहीं, अगर है तो आप अप्लाई कर दें, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पूरा फॉर्म फिल करना है, और फॉर्म फिल करने का जो फी है 300 रुपये लग रहे हैं, ठीक है, 300 रुपये आपको पे करना होगा तो आपका फॉर्म जो है कम्प्लीटली फॉर्म फिल हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अपडेट पाने के लिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आपको मेरे चैनल पर देखने को सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।